आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़ा जो उपकार रहा है, उन्होंने साक्षात विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि को सुना और उसके आधार पर जो रचनाएं करके हमें प्रदान किया, उनमें से ही उपलब्ध शास्त्रों के अंदर से पूज्य ज्ञानमती माता जी ने एक एक मणि रूपी गाथाओं को निकाल करके 108 की माला बनाई और इसका नाम है कुंद कुंद मणिमाला। अर्थात इस कुंद कुंद मणिमाला का आजकल आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और एक एक बहुमूल्य हीरे की तरह से इन गाथाओं के अंदर इतना सार भरा है। कल आपने जाना कि जिन मुद्रा यानी जिन मुनियों को जिन मुद्रा को धारण करने वाले सच्चे दिगंबर मुनिराजों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अपने सम्यक दर्शन का घात होता है। आगे की गाथा में श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, 55 नंबर की गाथा है कुंद कुंद मणिमाला में, जिसे पूज्य माता जी ने मोक्ष पाहुड़ की गाथा 76 को ला करके यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें वर्णन आता है, भरहे दुस्सम काले धम्मज्जाणम हवे साहुस तम अप सहावटी दे नहु मन्नै सोवियन्नानी। इस भरत क्षेत्र में आज भी पंचम काल में मुनिवर दिखते हैं, आत्म स्वभाव में रत हो कर वे धर्म ध्यान को करते हैं। जो नहीं मानते मुनि उन्हें अज्ञानी वे कहलाते हैं। चौविध संग पंचम काल अंत तक रहेगा श्रुत बतलाते हैं। बहुत ही बहुमूल्य गाथा है मोक्ष पाहुड़ की। भरहे, भरहे माने भरत क्षेत्र में, दुस्सम काले माने ये दुखमा नाम का, दुस्मा नाम का पंचम काल चल रहा है जिसे कलयुग कहा जाता है। धम्मध्याणम धर्म ध्यान हवेई माने होता है किसके, साहुस माने साधुओं के, मुनियों के, आरिकाओं के, इनके सबके धर्म ध्यान होता है। तम अप सहा वठि दे, और उसी में वे धर्म ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करके आत्म स्वभाव, अप सहा वठि दे माने आत्म स्वभाव में स्थिर भी होते हैं। नहु मन्नई सोवी अन्नाणी, नहु माने नहीं, मन्नई माने जो मानते हैं, सोवी माने वह व्यक्ति भी, अन्नाणी माने अज्ञानी कहलाते हैं। अब ये कुंद कुंद आचार्य की वाणी है, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं। अज्ञानी कहा उन प्राणियों को जो इस बात को नहीं मानते कि इस दुस्सम काल में पंचम काल में धर्म ध्यान को करने वाले सच्चे साधु होते हैं, यानी होते हैं, और नहीं जो मानते हैं उनको अज्ञानी की संज्ञा दे दी। कुंद कुंद आचार्य की वाणी के अनुसार ही तो आज आपको 28 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि आचार्य दिखते हैं। उपचार महाव्रती 28 मूल गुणों का पालन करने वाली आरिकाएँ, गणिनी माताएँ, ये सब जो दिख रही हैं ये कुंद कुंद आचार्य की वाणी के अनुसार ही है। तो हम आचार्य शांति सागर महाराज को ही ले लें कि उनके पास भी जब एक बार दो ब्रह्मचारी गए और उन्होंने कहा, महाराज हम आपको मुनि नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज रिद्धि सिद्धि नहीं है, आप आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो मुनि नहीं है आज। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप मत मानिए। लेकिन उन्होंने तुरंत उनको सबक सिखाने के लिए, आचार्यों की वाणी पर श्रद्धान कराने के लिए एक उदाहरण दिया, ये सामने पेड़ किस चीज़ का है? बोले, महाराज आम का है।
बोले मैं इसे आम का नहीं मानता क्योंकि इसमें आम के फल नहीं लगे। तो बोले आम का ही है, अभी सीजन नहीं है, जब सीजन यानी मौसम आएगा तो आम लगेगा, तो इसी पेड़ में लगेगा, दूसरे पेड़ में आम नहीं लग सकता। आज नहीं दिख रहे हैं फल तो समझो कि सीजन नहीं है। महाराज ने कहा, आचार्य शांति सागर महाराज ने, कि इसी प्रकार से हम साधु हैं, हम मुनि हैं, आज रिद्धि सिद्धि का सीजन नहीं है, आज मोक्ष जाने का सीजन नहीं है, लेकिन जब सीजन आएगा, सीजन माने मौसम जब आएगा, कब आएगा, जब सतयुग आएगा, चतुर्थ काल आएगा, तो मोक्ष प्राप्त होगा या रिद्धि सिद्धियां होंगी तो इसी पद में होंगी। आज तक कभी भी किसी को वस्त्र सहित वेश में किसी को रिद्धियां नहीं हुई, किसी को कोई सिद्धियां नहीं हुई, तो इसलिए आज भी पंचम काल के अंदर साधु होते हैं। तब उन ब्रह्मचारियों ने, दो ब्रह्मचारी गए थे परीक्षा करने के लिए, नतमस्तक हो गए, और वही दोनों ब्रह्मचारी आचार्य वीर सागर महाराज और आचार्य कल्प चंद्र सागर महाराज बने, जिन्होंने महान धर्म की प्रभावना की, और आचार्य वीर सागर महाराज ने ज्ञानमती नाम का कोहिनूर हीरा जो आपको प्रदान किया, ये सब आज के पंचम काल के मुनियों का चमत्कार प्रभाव, उनकी चर्या की निर्दोषता ही माननी पड़ेगी। पंचम काल के अंत तक साधु होंगे यही मानकर आज भी आप लोगों को समस्त साधुओं का सत्कार सम्मान भैयावृत्ति आदि करनी है, यही आज के आचार्य कुंद कुंद की वाणी का और 55 नंबर की गाथा के स्वाध्याय का सार समझना है। चलो, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की